तुम पानी हो गंदा नाली का, मैं वाटर बिस्लेरी हूँ, तू होगा अपना घर का लफर, मैं अपने पापा की परी। रुको जरा, सबर करो। वाह, इसी को बोलते हैं जिंदगी जीना, इसी को बोलते हैं जिंदगी जीना, बाप बेटे लोहा टीना, बेटी बने सोनाक्षी सीना। आप एकदम राइमिंग हो गए भैया। बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। अब्बा मुझे फिर से स्कूल जाना है, अब्बा प्लीज सर्कल बनाना सीख लें, अब्बा प्लीज एक बार फिर से स्कूल भेज दीजिए। फिर ले दे के बाद 2 लाख पे खत्म हुई, मेरे को 2 लाख रुपए दे दो प्लीज। 2 लाख? अभी तो तूने सिर्फ 1 लाख मांगा था। 1 लाख तो डाउन ले जाएगा, मेरे को क्या बचेगा बीच में से। बात तो सही है। मेरे को भी थोड़ा बचाना कि नहीं। अच्छा ठीक है, एक काम करो, अंदर आओ। ए, मेरे पास पहले 1 लाख रुपए का इंतजाम नहीं हो रहा, तेरे से 500 कहाँ से दूंगा मैं? हिम्मत वाला काम किया मैंने, सारे स्ट्राइक किए। क्या किए? सारे स्ट्राइक किए मैंने, तो वो वर्ड स्ट्राइक किए जिनका तो तुमने आई थिंक वकार नाम भी नहीं सुना होगा। वैसे भी तुम्हारी शक्ल देख के तो लगता है कि तुमने तो सिगरेट को भी कभी हाथ नहीं लगाया होगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर शायद इतनी हिम्मत नहीं है। कितने पुशअप्स लगाते? चैलेंज आपने मुझे देने। 10 पुशअप्स लगाओगे, अगर 10 नहीं लगाया तो यहीं से रिजेक्ट होके वापस। ये तो था वार्म अप, अब आपने 10 और करने। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। ज्यादा बेइज्जती हो रही है या अच्छा नहीं लग रहा, चली जाना। नहीं। अब अगर मैं तुमसे कहूँ कि 10 और कर दे। पतली हूँ पर स्ट्रांग हूँ एकदम। बहुत स्ट्रांग है, यू हैव नो क्लू। आइए देखते हैं, मैं मजा आएगा। सर, कई लोगों से मैंने पूछा इस इंटरव्यू से पहले, मैंने अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी भी डाली, मैंने पूछा कि आपके साथ बैठ रहा हूँ तो एक सवाल ये भी आया है कि अपना दिमाग तेज कैसे करें। पेरेंट्स कहते हैं कि बादाम खाइए, और मैं बादाम भिगोना ही भूल जाता हूँ। नहीं, आप धोखा खाइए, आपका दिमाग अपने आप तेज हो जाएगा। बहुत चल रही, आप थोड़ा सा जूस पी लेते हैं। हेलो भैया। हाँ भैया, एक गिलास जूस लगा देना। छोटा बड़ा? बड़ा बड़ा। ओ भाई भाई। हाँ। यार ये तो मीडियम है भाई, यही है मेरे पास। भाई मेरे को तो बड़ा ही चाहिए। इनका बड़ा है फिर। तेरी गोते चुप कर आंदा साडे हाथ च रुमाली लावदानी लावदानी मामियां नु पा मुंडे पागल ने सारे गल्लां वड्डियां वट्टे लार उमर दी हौली हड़िए तू नी बच के रह। क्या कर रहे हैं यार तू, मजाक है क्या? एक्सक्यूज मी सर। कहिए। क्या होगा अगर हम नजरअंदाज करते रहें किसी कारण से, और कोई अनलॉक कर दे अपनी दिमागी क्षमता का 100%? 100%? जी हाँ सर। टीचर, क्या मैं आज की क्लास रिकॉर्ड कर सकता हूँ? आपकी आवाज बहुत सुरीली है ना। मैं घर जाने के बाद आपकी क्लास बार बार सुनूंगा। शाबाश बेटा। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। जिराफ दुनिया का 12 o'clock midnight। कुछ दिनों से ठीक से नींद नहीं आ रही है। ए मम्मी, मेरे पास एक आईडिया है। जिराफ सबसे लंबा जानवर होता है, इतना लंबा। ये बोर लेक्चर सुना के पूरे क्लास को सुला देती है, आपको भी सुला देगी। ये बात।
जैसे दिल्ली और राजधानी है, अरे तुम जैसे हजार डूब गए पर आज तक पता लगा ना पाए कि उसमें कितना गहरा पानी। आपकी जवानी वो रोड है, आपकी जवानी वो रोड है, कितनी गाड़ियां कड़ गई, गहराई तो उतनी रही लेकिन चौड़ाई बढ़ गई। जैसे 25 एकड़ की जमीन पर। मुझे समझ नहीं आ रहा, मैंने इनसे बोला पापा अच्छा कंप्यूटर ले तो हैं, मैं कुछ पढ़ाई लिखाई कर लूंगा, कह रहे नहीं नहीं नहीं। मैंने क्यों, कह रहे उसमें तो तुम गंदी गंदी चीजें देखोगे ना। मैंने कहा आपके चार बच्चे, आप गंदी हरकतें कर रहे हो, हम देखे भी ना। हम आपको ऐसी शादी के बारे में बता रहे हैं जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तस्वीरें मंगनी समारोह की हैं और मंगनी किसी इंसान की नहीं बल्कि एक पालतू डॉग की है। दरअसल सागर जिले के बिलहरा में कुत्ते को एक कुतिया से इश्क हो गया और वो मालिक का घर छोड़कर दूसरे मोहल्ले में रहने लगा। जब इस बात की जानकारी मालिक को लगी तो वो कुतिया के घर रिश्ता लेकर पहुंच गया, जहां दोनों के मालिकों ने बैठकर आपस में शादी के लिए रिश्ता तय कर दिया। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो। अब एग्जाम ठीक गया? खुशी में आइसक्रीम खा रहे हो? हाँ खुशी में। क्या गया एग्जाम? बहुत बम्पर गया, 99+। बम्पर? हाँ। क्या करना है, अब क्या प्लान है? भाई जादव जी हैं, दूध बेचेंगे, आगे करेंगे। क्या सोच है रे तेरी? सीधा तुझको मैं अब आके दे लूंगा तेरी। मैम आप अपना ना लहंगा पकड़ के इसमें चलते हुए आइए। भैया इतनी पतली रास्ते से मैं चलूंगी कैसे? नहीं नहीं आराम से चलोगे, देखो ये पकड़ो, आपने ऐसे लहंगा पकड़ना है, ऐसे चलते हुए ऐसे करके आना है। अरे 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 अरे, ये तो होना ही था। ब्लॉग बना रहे ना इधर भी। हे गाइस चैनल टू माय वेलकम है, हे चैनल टू माय गाइस, गाइस टू माय वेलकम, गाइस सरप्राइज, लाइक कमेंट शेयर, सरप्राइज फॉलो गाइस, घंटी चैनल को घंटी सिलेंडर कर दो गाइस, घंटी ला देना। अरे पुरानी औरतें 12-12 बच्चे पैदा करते थी, तू करेगी? करेगी तू? हाँ, करूंगी मैं, तुम्हें क्या? 12 बच्चे पैदा करेगी तू? हाँ। वो साले तेरे हलवाई से भटूरा तो फूलता नहीं तेरा। ऐसे मौसम में राइड करने का मजा ही अलग है यार। ठीक है, समझ गया। क्या हो गया भैया, क्या दिक्कत है भाई? ये कौन सी गाड़ी है भैया? ये स्प्लेंडर है। कितने का एवरेज देती है? कुछ नहीं, बस 70-75 का एवरेज दे दे भाई। लग तो बहुत बढ़िया रहा है। और क्या, स्प्लेंडर की आवाज भी बहुत अच्छी दिखाए, ये देखो। अरे बाबा मजा आया ना स्प्लेंडर, ये सब बेचो बाचो, स्प्लेंडर लो, खुश रहो। हाँ पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, स्प्लेंडर दिख रही है साला, 5 लाख रुपया फेले हैं के पीछे स्प्लेंडर चलाएं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, हम सब ने ये मंगाया वो मंगाया और एक लास्ट में मतलब इतनी सारी चीजों के साथ एक हमने एडिशन किया मैंगो स्मूदी और कोई स्मूदी थी, तो मैंने इतनी रिक्वेस्ट की कि मतलब कुछ तो खा लो, नहीं मैंने बोला स्मूदी तक तुमने रिफ्यूज कर दी, मतलब इतनी स्ट्रिक्ट डाइटिंग। मैंने कहा स्मूदी में क्या है यार? हाँ, स्मूदी की बात करियो, इन्होंने मुझे रिफ्यूज कर दिया। PANORAMA पूर्णिमा।
भैया मैं ना अभी बड़ा हो गया हूँ, मेरे को कुछ तो ऐसा बड़ा गिफ्ट चाहिए। ये आईफोन चॉकलेट मेरे को नहीं जमता, बड़ा गिफ्ट दो मेरे को। ओके बाबा खुश हो सर थी रशियन अनली रशियन इंडियो तो ऐसी